हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्मार्ट चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपने बिजली का बिल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत आसान सा तरीका है, मैं इस वीडियो में सेटअप बाय सेटअप बताऊँगा आपको। आप इस वीडियो को शुरू करने से आखिरी तक देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे करूंगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और आने वाली हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, वो ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आसानी से जो वेबसाइट है ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए अपने इस यहाँ गूगल में आपको टाइप करना होगा, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में UPPCL। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन में ऑनलाइन अपना लाइट का बिल कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा UPPCL। यहाँ पे जैसे आप UPPCL टाइप करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो लिंक आएगा, वेलकम टू उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे UPPCL का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे नीचे स्क्रोल करेंगे, यहाँ पे जैसे आप स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे जो आपको लिख रहा होगा बिल पेमेंट OTS करके यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, कंज्यूमर कॉर्नर कर का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप ग्रामीण हैं या शहरी क्षेत्र के हैं तो आपको अर्बन पे क्लिक करना है, अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हैं तो पेमेंट करना है तो आप रूरल पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे गाँव क्षेत्र का बिल पेमेंट करने वाला हूँ आज, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक न्यू पेज आपको फिर खुलेगा, तो हमें यहाँ पे भुगतान करना है, तो यहाँ पे नंबर दो वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे नंबर दो वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 12 डिजिट का अकाउंट नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे नीचे वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है, यहाँ पे उसको टाइप करना है, कैप्चा जिसको बोलते हैं। तो मैं, जैसा कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कि आपका जो 12 डिजिट का अकाउंट नंबर होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, और लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था। तो वहाँ जो, जैसा कि आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो बिल संख्या होता है 12 डिजिट का अकाउंट नंबर, जब आप लाइट कनेक्शन लिए रहे होंगे तो उस समय आपको मिला होगा, या जब आपका फर्स्ट टाइम बिल आया होगा आपके घर पे, उसमें आपको दिखा लिखा होगा अकाउंट नंबर 12 डिजिट का, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको भी टाइप कर देना है। तो आइए मैं भी अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर और कैप्चर यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बिल की लेटेस्ट जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, लास्ट टाइम मैंने आपको सारा डिटेल्स देखने के लिए आपको बताया भी था, और यहाँ पे आपको रिसिप्ट लेना है, प्रिंट आउट करना है, तो आपको यहाँ पे व्यू प्रिंट रिसिप्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा, जो आप लास्ट टाइम पेमेंट किए हैं, रिकॉर्ड के पर्पज से आपको इसको, इस चीज को यहाँ पे आपको प्रिंट लेना होगा के तौर पर आप इसको प्रिंट ले लीजिएगा। और फिर आइए चलते हैं बैक, तो यहाँ पे मुझे करना है पेमेंट, तो यहाँ पे आपको चलते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था, यहाँ वो पेमेंट करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देंगे, जिससे आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे मैसेज चला जाएगा जब आप पेमेंट करेंगे जितने भी अमाउंट का, तो उससे आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। तो आइए मैं अपना यह मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ, यहाँ पे पे नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेज आपको पेमेंट वाले मेथड पर लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट का मेथड आ चुका है, यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन से या इंटरनेट बैंकिंग से या वॉलेट कैश कार्ड या QR कोड से या UPI ID से आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपके पास जैसे भी सुविधा हो आप उसके अनुसार यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे QR कोड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं QR कोड सेलेक्ट करके यहाँ पे मेक पेमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मेक पेमेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक बार कोड आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे स्कैन कर लूंगा, अपनी UPI में ID में जाकर के मैं वहां पे
स्कैन कर लूंगा। तो आइए मैं चलता हूँ, मैं अपनी यूपीआई आईडी में और यहाँ से मैं स्कैन कर लेता हूँ। ड्यू जो आपको 122 रुपये दिखा रहा है, यहाँ पे आपको 0 दिखाया गया है। तो अभी हम यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे स्कैन कर चुका, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। और अभी इस पेज, ये पेज जैसे मैंने पेमेंट किया, ये पेज जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने जैसे यहाँ पे अपने यूपीआई आईडी से पेमेंट किया तो ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश हो गया। मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये जनरेट ले जाकर के वापस यहाँ पे अपने बिलडेस्क पे जाएगा, यहाँ पे मेरे को रिसिप्ट जनरेट कर देगा कि हमने जो पेमेंट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी 2:13 हो रहा है, आज 10 जनवरी है और मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, कुल देय राशि 121 रुपए, जो मैंने प्राप्त राशि है इसमें मैंने 122 रुपए मैंने पेमेंट किया है, जैसा कि यहाँ पे आप प्रूफ देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे बकाया राशि 0 हो गया है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो देखकर के आप समझ गए होंगे कि यूपीपीसीएल में जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जो लाइट बिल है, आप ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप आज अपने यूपीपीसीएल की लाइट बिल कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दिया हूँ, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।